हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रिजेन ज्ञान एक्सप्रेस। मैं हूं आपका दोस्त ब्रिजेन। एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारा सीटेट 2018 और यूपीटेट 2018 से संबंधित वीडियो होगा। इस वीडियो में मैं आपको पर्यावरण विज्ञान का पाँचवा लेक्चर दे रहा हूँ। अब तक के मैंने पर्यावरण विज्ञान के पाँच लेक्चर अपलोड किए हैं, चार लेक्चर अपलोड किए हैं, और उन चारों में मैंने पर्यावरण विज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्यों की व्याख्या किया है, उसके साथ साथ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी दिया हुआ है। तो ये वीडियो भी उसी सीरीज़ का अगला वीडियो है। इस वीडियो में भी मैं आपको पर्यावरण से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट बताऊंगा, उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा पारिस्थितिकी तंत्र के नियमों की। जी हाँ, पारिस्थितिकी तंत्र के नियम। पारिस्थितिकी तंत्र के तीन अति महत्वपूर्ण नियम हैं जिन्हें आपको समझने की ज़रूरत है। ये आपकी परीक्षा का हिस्सा हो सकते हैं, ये आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और इसके बाद, इन नियमों के बाद, मैं आपको इसी वीडियो में अब ऐसी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी दूंगा जो आपको पर्यावरण विज्ञान से संबंधित बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना देगी। तो सबसे पहला नियम है ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, इसको समझते हैं ये क्या है। 10% का नियम काफ़ी हद तक इस चीज़ से भी क्लियर होता है कि 10% का यहाँ कोई कॉन्सेप्ट है। अब मैंने यहाँ लिखा कि इस नियम के अनुसार प्रत्येक पोषण स्तर के जीवों को अपने पिछले पोषण स्तर के जीवों से मात्र 10% ऊर्जा ही प्राप्त होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है और ये काफ़ी हैरान करने वाली बात भी होती है कि हम इतना ज़्यादा खाते हैं, इतना उपभोग करते हैं, लेकिन 10% एनर्जी हमें मिलता है अपने पीछे की जो है सीरीज से। अब इसको उदाहरण के तौर पे मैंने क्लियर किया है। जैसे हम जानते हैं कि उत्पादक यानी कि पेड़ पौधे, उत्पादक में 100% एनर्जी होती है। उसे जब प्राथमिक उपभोक्ता कोई खाता है, प्राथमिक उपभोक्ता सपोज करिए कि यहाँ पे घास है, घास को बकरी ने खाया, तो बकरी को घास की 10% एनर्जी मिलेगी, यानी कि 10% मिला। अब बकरी की बात करें, बकरी को किसी इंसान ने खाया, ठीक है, इंसान या भेड़िया कह लीजिए, दूसरे हम भेड़िया ही कर लेते हैं, किसी भेड़िए ने खाया, तो भेड़िए को इस 10% एनर्जी का 10% यानी कि 10% का 10% कितना होगा, 1% मिलेगा। फिर ऐसे जब भेड़िए को कोई शेर खाएगा तो इसकी एनर्जी का 10% इसे मिलेगा, यानी कि ये एनर्जी आगे मात्र 10% फॉरवर्ड होती जाती है। यहाँ 100% होती है, इसको खाया तो इनको 10% मिली, अब इनकी एनर्जी का यानी इसमें जितनी एनर्जी है उसका 10% इनको मिलेगा, अब इसमें जितनी बची इसका 10% इनको मिलेगा, तो ये सीरीज कंटिन्यू रहती है। तो इसे कहते हैं ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, इसको आप समझते रहिएगा। दूसरा है एक रूपता का नियम। इस नियम के अनुसार भौतिक एवं जैविक घटक अथवा भौतिक एवं जैविक प्रक्रम हमेशा समान रूप में रहते हैं, अंतर केवल उनके परिमाण, तीव्रता, आवृत्ति या दर का होता है। इसका सामान्य अर्थ है कि जो जैविक और भौतिक घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं, जो फिजिकल और बायोटिक अबायोटिक जिसको आप कहते हैं, ये हमेशा समान रूप में रहते हैं, उसी रूप में यथावत बने रहते हैं, लेकिन उनका परिमाण और उनकी तीव्रता, उनकी आवृत्ति और उनका जो रेट होता है अलग अलग टाइम पर परिवर्तित होता रहता है। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे आपको कहा गया है कि ऊर्जा न तो नष्ट होती है और न ही कम होती है, ना ही ख़त्म होती है, बस ऊर्जा का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है एक रूप से दूसरे रूप में। तो उसी से रिलेटेड ये नियम है कि जो ऊर्जा यानी कि जो भौतिक और जैविक संसाधन ये हमेशा समान रहते हैं, ये कभी घटते और बढ़ते नहीं हैं, बशर्ते उनका परिमाण, तीव्रता, आवृत्ति या दर जो है वो बदल जाती है। इसको एक नियम से और मैं समझाता हूँ। आप जानते हैं कि पृथ्वी पे जो पानी होता है, जल की मात्रा हमेशा समान रहती है, बस उसका रूप बदल जाता है। यानी कि जितना मान लीजिए 71% जल हमारी पृथ्वी पे है, तो हमेशा ये 71% ही रहता है,
हो सकता है कि भाई जो भूमिगत जल है उसकी मात्रा कम हो जाए, अब वो वाष्प के रूप में है या वो बादल के रूप में है या वो नदी के रूप में, यानी कि पानी की मात्रा कुल मिलाकर उतनी ही रहती है, बस उसका रूप अलग अलग परिवर्तित हो जाता है। तो उसी से आप इसको समझ सकते हैं कि जो यहाँ पे एक रूपता कनी मनी जैविक और भौतिक घटक हमेशा एक ही रूप में उसी रूप में रहते हैं, बस उनकी मात्रा तीव्रता और दर ये अलग अलग हो जाती है। फिर है ऊर्जा प्रवाह का एक दिशीय नियम, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण नियम है दोस्तों। इस नियम के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होता है, जो सूर्य से सौर विकिरण ऊर्जा के रूप में निकलकर विभिन्न पोषण स्तरों में प्रवाहित होती हुई अंततः शून्य में विलीन हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जो सूर्य से एनर्जी हमें मिलती है, चूंकि भाई सूर्य ही इस पूरे ब्रह्मांड का इकलौता ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, तो सूर्य से जो एनर्जी हमें मिल रही है वो मान लीजिए कि पौधों को मिली, पौधों भाई पहला पोषण स्तर पौधे, पौधों को मिलने के बाद फिर बकरी को मिली, बकरी को मिलने के बाद भेड़िया को मिली, मान लीजिए भेड़िया के बाद शेर को मिली, और उसके बाद शेर की जो एनर्जी है वो इस शून्य में यानी इस ब्रह्मांड में विलीन हो गई। तो ऊर्जा प्रवाह एक ही दिशा में इसी दिशा में होती है, और इसका इसकी दिशा परिवर्तित नहीं होती है कि यहाँ से इधर डाइवर्ट हो जाए या इधर डाइवर्ट हो जाए या वो आपस तुरंत लौट जाए, ऐसा होता नहीं है। तो जो एनर्जी का जो फ्लो है, ऊर्जा प्रवाह है, वो एक ही दिशा में होती है और फाइनली वो पुनः फाइनली वो इस ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है, इस शून्य में, इस आकाश में गायब हो जाती है। तो ऊर्जा एक ही दिशा में चलती है, जो सूर्य से होती हुई पौधों की तरह, पौधों से फिर आगे विभिन्न पोषण स्तरों से होती हुई फाइनली इस शून्य में विलीन हो जाती है। तो इसे ऊर्जा प्रवाह का एक दिशीय नियम कहते हैं। तीन नियम बताया मैं, 10% का 10% का नियम बताया, फिर एक रूपता का नियम और ऊर्जा प्रवाह का एक दिशीय नियम। तीनों पारिस्थितिकी के महत्वपूर्ण नियम है, इसको याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, वर्षा के जल को जमा कर उसे बाद में प्रयोग किया जाना क्या कहलाता है, उसे रेन हार्वेस्टिंग कहते हैं। यानी जो पानी बरसात का होता है उसे हम इकट्ठा कर लेते हैं, उस पानी को बाद में यूज करते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उस चीज को क्या, उसको कहते हैं रेन हार्वेस्टिंग। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद भी किए होंगे, याद करना चाहिए, 22 मार्च को है ये। समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, फिर से आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। समुद्री शैवाल आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। प्रजनन शक्ति में कमी किस विटामिन के अभाव में होती है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों ये, यह विटामिन ई, विटामिन ई की कमी से प्रजनन शक्ति में कमी होती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस गैस का नाम क्या है जिससे सामान्यतः कोयला खानों में विस्फोट हो जाता है, कोयला खानों में विस्फोट या जिसे विस्फोटक गैस के नाम से जानते हैं, उसे मीथेन कहते हैं। मीथेन को मार्श गैस भी कहते हैं, मीथेन को मार्श गैस भी कहते हैं। धान के खेत में कौन सी गैस उत्पन्न होती है उसे मार्श गैस कहते हैं, मीथेन गैस कहते हैं। ये विस्फोटक भी होती है, जब कोयले के खदान में ये जो है होती है तो कभी कभी वहाँ पे विस्फोट हो जाता है, तो इसे मीथेन गैस कहते हैं, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। और मीथेन गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस भी होती है। समुद्र का वर्षावन किसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समुद्र का वर्षावन ये कोरल, कोरल जिसे मूंगा कहा जाता है, कोरल रीफ जो आपको पढ़ने को मिलेगा, अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा, ये है समुद्र तंत्र में, ये मिले समुद्र पारितंत्र में कोरल की बात है। ये कोरल रीफ जो जो है ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ी कोरल रीफ है, तो समुद्र का वर्षावन इसे कहा जाता है। वर्षावन इसलिए कहा जाता है चूंकि कोरल की वजह से ही समुद्र में बहुत प्रजातियां उसके संरक्षण में रहती हैं और उस पर डिपेंडेंट होती हैं, तो कोरल है समुद्र का वर्षावन। प्रवाल के रंग, प्रवाल में रंग, प्रवाल प्रवाल भित्ति जिसमें कोरल होता है, प्रवाल में रंग किसकी वजह से होता है, एक शैवाल है जू जैंथिली, तो जू जैंथिली शैवाल प्रवाल के ऊपर रहता है तो उसमें रंग होता है, तो जू जैंथिली। समुद्री वातावरण में उत्पादक कौन से होते हैं, समुद्री वातावरण में उत्पादक होते हैं फाइटोप्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन जिसे हम हिंदी में कहते हैं पादप प्लवक, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रामसर कन्वेंशन किसके संरक्षण के लिए बनाया गया है, ये आर्द्र भूमियों के लिए, जो नम भूमियां होती हैं आर्द्र भूमियां उनके लिए होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है रामसर कन्वेंशन। आगे मैं भी आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में, ये टॉपिक भी मैं क्लियर करूंगा, अभी इतना जानिए कि आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण एक कन्वेंशन है रामसर कन्वेंशन। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में भारत के कितने स्थल शामिल हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड भी रामसर कन्वेंशन के तहत ही एक स्वतंत्र संस्था है जो आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए काम करती है, तो ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या है उसको भी मैं आगे क्लियर करूंगा टॉपिक में, और इसको भी क्लियर करूंगा। अभी इतना जाने कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में भारत के दो स्थल शामिल है, एक तो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में, एक है लोकटक झील जो कि मणिपुर में है।
अम्लीय मिट्टी पॉटजल किन वनों में पाई जाती है? तो अम्लीय मिट्टी जो पॉटजल है ये टाइगर वन या शंकुधारी वनों में पाई जाती है। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो के, मुझे यकीन है कि काफ़ी पसंद करेंगे आप इन्हें, इनको नोट कर लीजिए। इनकी PDF फाइल अभी तो मैं नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्दी मैं PDF फाइल प्रोवाइड कराना शुरू कर दूंगा, उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। और मैं गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, आप लोग देखते हैं लेकिन लाइक कम करते हैं, इससे हमारा हौसला नहीं बढ़ता है। हौसला अफजाई के लिए आपका लाइक ज़रूरी है, आप दोस्तों से शेयर करें ताकि हम इसी मेहनत से आपको अच्छा मैटर देते रहें, आपके एग्जाम में हेल्प करते रहें। थैंक यू, जय हिंद।